नमस्कार। मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह चुनाव अभियान के तीसरे दिन केशकाल विधानसभा के विश्रामपुरी पहुंचे तथा आम सभा को संबोधित किया। वहीं उन्होंने विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधा। देखिए कोंडा गांव से राम कुमार भारद्वाज की रिपोर्ट। कोंडागांव जिले के केशकाल विधानसभा क्षेत्र के ग्राम विश्रामपुरी में बीजेपी की चुनावी आम सभा रखी गई। 12 नवंबर को होने वाले प्रथम चरण चुनाव के लिए प्रचार अभियान के तीसरे दिन मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ग्राम विश्रामपुरी पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री ने चुनावी सभा को संबोधित कर भाजपा के प्रत्याशी हरीश शंकर नेताम के लिए जनता से वोट मांगा और कहा कि अगर आप मुझे दोबारा मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं तो आपको हरीश शंकर को वोट देना होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि केशकाल क्षेत्र के लिए कांग्रेस ने आज तक कुछ नहीं किया। भाजपा की सरकार में छत्तीसगढ़ के ग्रामीणों का विकास हुआ है। भाजपा के प्रयास से कोंडागांव को जिला का दर्जा मिला और ये विकास अग्रसर बढ़ता जा रहा है। पिछले 55 सालों में कांग्रेस ने नए जिले के निर्माण की कभी कल्पना भी नहीं की थी। कांग्रेस के राज में गरीब और गरीब हो रहा था। बीजेपी की सरकार आई तब से एक रुपया चावल देकर भुखमरी से निजात दिलाया। कांग्रेस सिर्फ झूठे वादे करती है। इस चुनाव में कर्जा माफ करने की बात कर किसानों को भ्रमित कर रही है। बीजेपी की सरकार ने किसानों के लिए बिना ब्याज पर सहकारी बैंक में लोन की व्यवस्था की है। आज लाखों किसान इसका फायदा उठा रहे हैं। केशकाल विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी हरीश शंकर नेताम ने केशकाल विधानसभा क्षेत्र के सभी मतदाताओं से आम सभा में वोट के जरिए एक बार मौका मांगा और छत्तीसगढ़ के विकास के लिए भाजपा की सरकार बनाने सहयोग मांगा। आगामी 2018 का जो चुनाव प्रथम चरण का होना है, आपके क्षेत्रों में केशकाल विधानसभा में 12 नवंबर को जब मतदान करने के लिए जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी का प्रतीक चिन्ह कमल फूल कर आप सबका मुहर लगा करके माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह का जो 65 वर्ष का लक्ष्य है उसको पूरा करने में और छत्तीसगढ़ में फिर से डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व में सरकार बने, आप सबके आशीर्वाद की आवश्यकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बहुत अधिक बातें ना करते हुए मैं आप सबको मेरी ओर से नमन करता हूं। आप सबको मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। आम सभा में मुख्यमंत्री ने कहा कि केशकाल विधानसभा का माहौल देखकर लग रहा है कि जहां से भाजपा को हार मिली थी वहां से भाजपा आसानी से जीत दर्ज कराएगी और चौथी बार सरकार बनाना मुश्किल भी है और आसान भी है। उन्होंने कहा कि चुनाव में चुनौतियां होती है। भाजपा ने अपनी पूरी शक्ति चुनाव में झोंक दी है। कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत से चौथी बार सरकार बनाने में भाजपा कामयाब होगी। केशकाल विधानसभा विश्रामपुरी का माहौल देखकर आप लोग भी बोल सकते हो कि जो सीट हम कभी नहीं जीते थे बहुत दिनों बाद इस सीट में इस बार विजय का पताका फहराएंगे। जो उत्साह दिख रहा है और जिस प्रकार हमारे प्रत्याशी के नाम से वातावरण है और जिस प्रकार कार्यकर्ता की एकजुटता दिखी है, इस बार कमल यहाँ पे खिलेगा और भारतीय जनता पार्टी बस्तर में इस बार 12 में 12 सीटों पे हम विजयी होंगे और निश्चित रूप से पहले चरण में बहुत शानदार रिस्पांस पूरे बस्तर और राजनांदगांव जिले में देखने को मिल रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ विकास का जो क्रम चल रहा है उसको और आगे बढ़ाएंगे। केशकाल विधानसभा को विकास की दृष्टि से आगे बढ़ाने का काम होगा, मैंने यही कहा है। सर, कोंडागांव में 3 बार हो गया बाईपास की आपने घोषणा की लेकिन अभी तक काम प्रारंभ हो गया, जो उसकी चिंता छोड़िए। सर, चौथी बार सरकार बनाना मुश्किल लग रहा है या आसान लग रहा है? नहीं, ना मुश्किल लगता ना आसान लगता, चुनाव में चुनौती रहती है और देख रहे हो मैं पूरी ताकत लगाया हूँ। कार्यकर्ता हमारा एक एक पूरी शक्ति झोंक दिया है। जब पूरी ईमानदारी मेहनत से सप्ताह काम करते हैं तो विजय निश्चित मिलती है और ये कार्यकर्ताओं की विजय है, डॉक्टर रमन की विजय नहीं, कार्यकर्ता की ताकत से ही विजय हासिल होता है और इस बार उम्मीद करते हैं कि चौथी बार फिर से सरकार बनाने में सफल होगी। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन लॉग ऑन टू www.clips.in।